सबसे पहले दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देखिए, जहां पर जबरदस्ती मुस्लिम बच्चे से जय श्री राम बुलवा जा रहा था, जब पकड़ा गया तो उसके साथ क्या हुआ। भाई और दोस्तों, जय श्री राम बोलने वाले जो नफरती चिंटू हैं बुलवाने वाले, उसके साथ फिर क्या हुआ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। वो भी दोस्तों दूसरी खबर आ रही है मुरादाबाद के संभल से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का दोस्तों लेडीज टॉयलेट से वीडियो वायरल हो गया है। जब वीडियो वायरल हो गया, लोग जब उनको पकड़ लिए, तब देखिए वो माफ़ी मांग रहे हैं लोगों से। देखिए क्या कुछ हुआ, विस्तार से बताऊंगा उन्होंने क्या किया लेडीज टॉयलेट में जाकर। वो भी दोस्तों जो तीसरी खबर है दोस्तों, जो कि ईद के मौके को लेकर है दोस्तों, जहाँ पे ईद के मौके पर दोस्तों एक पुलिस वाले ने गरीब बच्चों के साथ क्या किया है, देख करके आप हैरान हो जाएंगे। वहीं पर दोस्तों जो अगली वीडियो है दोस्तों, जहाँ पर अब्दुल श्री पंचरण ही बनाता है, लोगों की जान माल की हिफाजत भी करता है। देखिए दोस्तों, गैस सिलेंडर में आग लग जाती है, सब लोग भाग जाते हैं डर से, लेकिन एक दाढ़ी टोपी वाला जो मदरसा छाप जिसे कहते हैं, या अंधभक्त जिसे पंचर पुत्र कहता है, उन्होंने दोस्तों गैस में लगी आग को अपनी जान पे खेल करके बुझाई है और बहुत सारे लोगों की जान जाने से भी उन्होंने दोस्तों बचाया। एक खबर है दोस्तों जिसको पूजा माथुर जी ने ट्वीट किया, लिख रहे हैं कि बागपत का मामला आपको याद ही होगा, जहाँ पर इंतजार इंस्पेक्टर अली को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से बागपत के पुलिस अधीक्षक द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। वहीं पर दोस्तों काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्यूटी पर जो पुलिसकर्मी है, उनको दोस्तों भगवाधारी कपड़ा पहनाकर ड्यूटी लगाया गया है। देखिए तस्वीर देख सकते हैं आप, देखिए विस्तार से बताऊंगा सभी खबर के बारे में। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको बताता चलूं कि जब एक नॉन मुस्लिम लड़का जब मुस्लिम लड़के से जय श्री राम बुलवाता है तो उसके साथ क्या होता है, पूरी वीडियो को सुनिए। सोचिए भाई और दोस्तों, इसको लेकर के नेशन मुस्लिम ने ट्वीट किया, लिख रहे हैं कि देखिए जब कुछ कट्टर हिंदुओं ने मासूम बच्चों से जय श्री राम कहने को बोला, क्या रामराज में दलित और मुस्लिमों को जय श्री राम कहना होगा, अपनी राय कमेंट करें आप लोग। वहीं पर दोस्तों दूसरी खबर के बारे में आपको बता चलूं कि बीजेपी प्रत्याशी जो कि मुरादाबाद संभल से बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी का वीडियो वायरल हुआ है, लेडीज टॉयलेट यूज करने का वीडियो जमकर हुआ वायरल। लेडीज टॉयलेट यूज कर रहे थे संभल के बीजेपी प्रत्याशी, गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में पहुंचे थे मुरादाबाद, वीडियो बना रहे युवक से हाथ जोड़कर आगे निकले सैनी जी। जी हाँ दोस्तों, सोचिए इसको ये भी नहीं पता है जो कि एक प्रत्याशी है, उसको ये भी नहीं पता कि ये महिला का टॉयलेट है या पुरुष का टॉयलेट है, सोचिए दोस्त लिए। वहीं पर दोस्तों तीसरी वीडियो के बारे में पता चलूँ कि पुलिस वालों की ईद दोस्तों, ये बाराबंकी में ये शो गजेंद्र प्रताप सिंह है, ईद में उन गरीब बेसहारा लोगों को कपड़े और मिठाई बांट रहे हैं जिनके लिए ये सब खरीदना मुश्किल होता है। इसके पहले भी गजेंद्र अपनी होली दिवाली गरीबों के साथ ही मनाते हैं, ऐसे पुलिस वालों को दिल से सलाम दोस्तों, आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों अबू आला आजमी एक वीडियो को शेयर करते हैं, लिख रहे हैं कि अब्दुल श्री पंचरण ही बनाता, लोगों की जान माल की हिफायत भी करता है। आप बखूबी वीडियो को देख सकते हैं स्क्रीन पर कि जब एक सिलेंडर में आग लग जाती है तो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं अपनी जान बचा करके, लेकिन दोस्तों एक बोलते ना कि फरिश्ता के तौर पर आया और जान बचा गया, वही कहानी यहाँ पर भी हो रही दोस्तों। एक दाढ़ी टोपी वाला एक मौलाना आता है और दोस्तों अपनी जान की बाजी लगा करके, जान पर खेल करके दोस्तों, उसको मौत का जरा भी खौफ नहीं है। अगर मर भी जाता वो तो शहीद करा दिया जाता, क्योंकि उन्होंने दोस्तों बहुत सारे लोगों की जान बचाई है। उन्होंने बेखौफ होकर के दोस्तों गैस सिलेंडर में लगी आग को उन्होंने बुझा दी। अगर इसी तरह के और लोग और जगह जब गैस में आग लग जाती है सिलेंडर में, अगर ऐसा करेंगे जिस तरह से इन्होंने किया है कि उसका जो रेगुलेटर है उसको बंद किया है, अगर बंद कर देंगे ना तो कभी बड़ा हादसा होगा ही नहीं, हादसा टल जाएगा, लेकिन लोग हिम्मत नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो जिसे पंचर पुत्र कहा जाता है, जिसे अब्दुल कहा जाता है, उन्होंने दोस्तों गैस में लगी सिलेंडर, जो गैस सिलेंडर में आग लग गई उसको बुझाई है। उसको लेकर के मोहम्मद रजा कादरी भी शेयर किए हैं, लिख रहे हैं कि फिर बता रहा हूँ, जहाँ भी और जब भी तुम्हारी फट के फ्लावर हो जाएगी वहाँ मियाँ भाई मोर्चा संभालेगा, देख लो ये सिखाया जाता है मदरसे में। वहीं पर दोस्तों और एक खबर के बारे में आपको बताया था जिसको पूजा माथुर जी शेयर की है, लिख रही कि एक देश दो कानून, बागपत का मामला तो आपको याद ही होगा, जहाँ रमाला थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर इंतसार अली को लंबी दाढ़ी रखने की वजह से बागपत के पुलिस अधीक्षक द्वारा अली को सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि ये पुलिस मैनुअल के मुताबिक गलत था। मगर वहीं दूसरी तरफ यूपी के काशी विश्वनाथ मंदिर में पुलिस कर्मियों को भगवाधारी कपड़ा पहनाकर ड्यूटी में लगाया गया है, जो पुलिस मैनुअल के मुताबिक सही है, यह सही है, गजब लिख रही हो। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पुलिस वालों ने ना सिर्फ भगवा ड्रेस पहना है बल्कि माथे पर त्रिपुंड और गले में माला भी डाल रखी,
है, ये सरासर खाकी वर्दी का अपमान है। देश की सुरक्षा करने वालों को भी धर्म के रंग में रंग दिया गया है। देश को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं ये लोग, लोगों को सोचना चाहिए। सही बात है दोस्तों, पूजा माथुर जी जो कि एक पत्रकार है और हमेशा निडर और बेखौफ होकर के दोस्तों डंके की चोट पे सच बात को बयां करती है, जो कि उन्होंने दोस्तों बयां की है यहाँ पे। मैं सैल्यूट करता हूँ पूजा माथुर जी को कि अल्लाह उसकी हिफायत करे, क्योंकि वो हमेशा हक बोलती है और सच बोलती है। भाई और दोस्तों, आप लोगों को मैं जितने सारा वीडियो दिखाया इसको लेकर के आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।